हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास और सुनहरे वर्तमान में ग्वालियर शहर का अलग ही योगदान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी ग्वालियर हिंदुस्तान की शान कहे जाने वाले तिरंगे का निर्माण करके अभी भी पूरे देश में अपना नाम रोशन किए हुए है। कि हाँ, देश के शासकीय और अशासकीय कार्यालयों के साथ कई मंत्रालयों पर लहराने वाला तिरंगा ग्वालियर में ही तैयार होता है। आपको बता दें कि तिरंगों को ग्वालियर में स्थित देश का तीसरा और प्रदेश का इकलौता मध्य भारत खादी संघ तैयार करता है। शुरुआती प्रक्रिया से लेकर तिरंगे में डोरी लगाने तक का काम यहां पर ही किया जाता है। किसी भी आकार के तिरंगे को तैयार करने में इस टीम को 5 से 6 दिन का समय लगता है। इन दिनों यूनिट में 15 अगस्त के लिए तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। यहां बनने वाले तिरंगे मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित एक दर्जन से अधिक राज्यों में पहुंचाए जाते हैं। गौरव की बात तो यह है कि देश के अलग अलग शहरों में स्थित आर्मी की सभी इमारतों पर ग्वालियर में बने तिरंगे की शान ही बढ़ाते हैं। संता में झंडा तैयार होता है, इसमें पूरा काम हमारे यहाँ होता है। सबसे पहले हम लोग भारत सरकार से पानी खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, उसका नॉर्म्स के हिसाब से धागा तैयार करते हैं, फिर उसकी बीमिंग करवाते हैं, फिर उसकी डाइंग करते हैं अलग अलग कलर में, निर्धारित साइज में काट के फिर झंडा तैयार करते हैं। कहाँ जाता है? करीबन 16 स्टेट में अभी झंडा हमारा जा रहा है। महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, हिमाचल प्रदेश जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है, बिहार जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, जम्मू कश्मीर जा रहा है। अभी तक कितने झंडे तैयार किए? अभी कितने झंडे तैयार हो चुके? अभी 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर तक 80 लाख रुपए के झंडे हम लोगों ने तैयार किए हैं। इसमें लगभग 64 लाख रुपए के झंडे अभी तक हम लोगों ने सप्लाई किए। क्या नाम है सर? माकांत शर्मा। वर्तमान में यहाँ 3 कैटेगरी के तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। अभी 2x3 से 6x4 तक के झंडे बनाए जा रहे हैं। इस केंद्र में एक साल में लगभग 10 से 12 हजार खादी के झंडे तैयार होते हैं। खादी केंद्र के पदाधिकारी बताते हैं कि इस केंद्र की स्थापना 1925 में चरखा संघ के तौर पर हुई थी। साल 1956 में मध्य भारत खादी संघ को आयोग का दर्जा मिला। इस संस्था से मध्य भारत के कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ी रहीं। उनका मानना है कि किसी भी खादी संघ के लिए तिरंगे तैयार करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सरकार की अपनी गाइडलाइन है, उसी के अनुसार तिरंगे तैयार करने होते हैं। यही कारण है कि जब यहाँ तिरंगे तैयार किए जाते हैं तो उनकी कई बार बारीकी से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। बता दें कि यहाँ तिरंगा झंडा निर्माण का काम धागा बनाने से शुरू होता है, इसके बाद बुनाई और फिर 3 तरह की लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। तो अपने आप में एक खुद ही खास है, तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ ऑल इंडिया में सिर्फ 3 जगह फ्लैग बनाए जाते हैं, एक हुबली में कर्नाटक और महाराष्ट्र, और तीसरा हमारा ग्वालियर एमपी में फ्लैग बनाए जाते हैं। इसकी हमें ISI की मान्यता 2016 में प्राप्त हुई थी, जब से हम ISI फ्लैग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग में हमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसकी स्पिनिंग में, वीविंग में और कलर की टेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद हमारा जो फैब्रिक से फ्लैग तैयार होता है, फ्लैग की मेज़रमेंट और रस्सी गुल्ली जो हम डालते हैं उसकी मेज़रमेंट, इवन थ्रेड जो स्टिचिंग के लिए यूज़ होता है उसकी भी हमें टेस्टिंग करके उसका यूज़ करना पड़ता है। बता दें कि यहाँ तिरंगा झंडा निर्माण का काम धागा बनाने से शुरू होता है, इसके बाद बुनाई और फिर 3 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। टेस्टिंग के बाद इसकी फिनिशिंग और कलरिंग की जाती है। 3 रंगों का अलग अलग रंग भी किया जाता है। इसके बाद फिर टेस्टिंग होती है और उसके बाद अशोक चक्र लगाया जाता है, तब जाकर खादी का कपड़ा धागा और रंग समेत तिरंगा की शक्ल लेते हैं। ग्वालियर से अंकुर जैन की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।